अविनाश एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसके पिता एक मजदूर थे जो दिन रात मेहनत करते थे ताकि परिवार का गुजारा हो सके। उसकी माँ घर संभालती थी, लेकिन गरीबी ने उनके जीवन में कई समस्याएं पैदा कर दी थी। अविनाश एक होशियार लड़का था, उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति के कारण वह अच्छे स्कूल में पढ़ाई नहीं कर सकता था। उसके गांव का स्कूल भी साधारण था, जहां सुविधाओं की कमी थी। बावजूद इसके अविनाश ने कभी हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई जारी रखी। जब अविनाश 10वीं कक्षा में था, तब उसके पिता की तबीयत खराब हो गई, घर की जिम्मेदारियां बढ़ गईं और अविनाश को भी परिवार की मदद करनी पड़ी। स्कूल के बाद वह गांव में छोटे मोटे काम करता था ताकि घर का खर्च चल सके, लेकिन इस सब के बावजूद उसने अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता दी। एक दिन अविनाश के गांव के एक शिक्षक ने उसे शहर में एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर वह वहां अच्छी तरह पढ़ेगा तो उसे एक अच्छा भविष्य मिल सकता है। अविनाश के लिए यह सुनहरा अवसर था, लेकिन उसके पास शहर जाने के लिए पैसे नहीं थे। फिर भी अविनाश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी माँ से बात की और उन्होंने अपने कुछ गहने बेचकर उसे पैसे दिए ताकि वह शहर जाकर अपनी पढ़ाई जारी रख सके। यह उसके जीवन का बहुत बड़ा मोड़ था। शहर में आकर अविनाश ने देखा कि जीवन यहाँ बिल्कुल अलग था। यहाँ प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक थी और जीवन की रफ्तार तेज थी। उसे एक छोटे से कमरे में रहना पड़ा और खुद ही खाना बनाना पड़ा। पैसे बचाने के लिए वह साइकिल से कॉलेज जाता था और साथ ही पार्ट टाइम नौकरी भी करता था। शहर में उसकी पढ़ाई के दौरान कई बार उसे निराशा का सामना करना पड़ा, लेकिन अविनाश ने कभी हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करता रहा और हर कठिनाई का सामना करता रहा। उसने अपने लक्ष्य को कभी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। अविनाश की मेहनत रंग लाई। उसने कॉलेज की पढ़ाई में हमेशा शीर्ष स्थान हासिल किया। उसकी प्रतिभा और मेहनत को देखते हुए उसे एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिला। यहां भी उसने अपनी मेहनत से सबको प्रभावित किया और बाद में उसे उसी कंपनी में स्थायी नौकरी मिल गई। अविनाश की सफलता यही नहीं रुकी। उसने नौकरी के साथ साथ आगे की पढ़ाई भी जारी रखी और MBA की डिग्री हासिल की। उसकी कड़ी मेहनत, लगन और समर्पण ने उसे एक दिन कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधक बना दिया। आज अविनाश के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हो चुकी है। उसने अपने माता पिता के लिए एक अच्छा घर बनवाया और अपने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल भी खोला ताकि वे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। अविनाश की कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम मेहनत और लगन से काम करें तो कोई भी मुश्किल हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर हम धैर्य और मेहनत के साथ उनका सामना करेंगे तो सफलता हमारे कदमों में होगी। अविनाश की तरह हमें भी अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हों। एक रवि नाम का लड़का एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ज्यादा गरीब था, जिसका मुख्य कारण था कि रवि के पिता का कुछ समय पहले एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें ज्यादा घायल होने के कारण रवि के पिता के दोनों कंधे कार्य करने में असक्षम हो गए और डॉक्टरों के द्वारा उन्हें हटाना पड़ा, जिस कारण रवि का परिवार बहुत ही ज्यादा लाचारी की स्थिति से गुजर रहा था। एक्सीडेंट से पहले रवि के परिवार की मुख्य आय का स्रोत उनका खेत था, जिसमें वह खेती करते और फसल को बेचकर अपना गुजारा करते थे, परंतु वह खेती बहुत ज्यादा कम थी, जिस कारण उन्हें कभी भी किसी प्रकार का सुख नहीं मिल पाया। जब रवि के पिता दिव्यांग हो गए, तब उन्होंने वह खेती एक व्यक्ति रामू प्रसाद को बटाई पर दे दी ताकि वह उसमें फसल करें और आधी फसल रवि के परिवार को दे दे। क्योंकि रवि के पिता अब दिव्यांग हो चुके थे, वह फसल करने के लायक नहीं थे। वह व्यक्ति रवि के खेत में फसल करने लगा और उसने रवि के पिता को आधा हिस्सा देना भी शुरू कर दिया। रवि एक समझदार बच्चा था। वह अपने परिवार की लाचारी को बेहतर तरीके से समझता था। वह अपने माँ बाप की इकलौता औलाद था, इसलिए वह हमेशा अपना पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर लगाता था। वह कक्षा में अक्सर सबसे ज्यादा अंक लाया करता था, परंतु रवि अपनी कक्षा में सबसे ज्यादा गरीब था, इसलिए उससे ईर्ष्या करने वाले बच्चे उसे चिढ़ाने के लिए कहा करते थे कि रवि तूने कल रात को खाना खाया था या नहीं। रवि को यह बात दिल में सुई की तरह चुभती थी, क्योंकि यह बात सच थी कि रवि का परिवार गरीबी और लाचारी से गुजर रहा है।
परंतु रवि को यह सोचकर दुख होता था कि समाज भी उसकी लाचारी का मजाक उड़ा रहा है, सिर्फ इसलिए कि वह पढ़ने में अच्छा है और सभी को शिक्षा में पीछे छोड़ देता है। जब रवि के पिता दिव्यांग हो गए तब रवि को अक्सर बच्चे कहा करते थे कि दिव्यंका का बेटा। यह बात रवि को कभी कभार इतनी ज्यादा बुरी लगती थी कि वह अकेले में जाकर रोने लगता था। वह अपनी कक्षा में किसी को कुछ नहीं बोलता था और किसी से बात नहीं करता था। वह सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखा करता था। उसके शिक्षिका रवि को हमेशा शिक्षा के लिए प्रेरित किया करती थी क्योंकि वह अच्छा विद्यार्थी था। एक बार रवि स्कूल से घर की तरफ जा रहा था कि कुछ बच्चे उसके पास आए जो कि उसकी काबिलियत से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने उसके स्कूल बैग को छीनकर नाले में फेंक दिया। रवि तेजी से नाले की तरफ भागा और बैग को पकड़ने के लिए नाले में कूद गया, जिससे उसे काफी चोट आई। रवि जब अपने स्कूल बैग को नाले से निकालने का प्रयास कर रहा था तब सभी बच्चे उसका मजाक बना रहे थे। रवि यह बात अच्छे से समझ चुका था कि उसके अपमान की मुख्य वजह उसकी लाचारी और गरीबी है, इसलिए उसने किसी से कुछ नहीं कहा और कीचड़ में सना हुआ रोते हुए अपने घर पहुंचा। वह दिमाग में सोच रहा था कि यदि कोई गरीब है तो क्या उससे समाज इस प्रकार व्यवहार करेगा। जब रवि घर पहुंचा तो उसकी मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा? रवि ने कहा, मेरा पैर नाले में फिसल गया था इसलिए मैं नाले में गिर गया था। रवि अच्छी तरह जानता था कि यदि वह अपनी मां को कोई बात बताई तो उसकी मां को सिर्फ दुख ही होगा, इसलिए वह अपनी मां से कुछ नहीं बोला और नहाने के लिए चला गया। जब रवि नहाकर आया तब उसने देखा कि उसके पिता और मां आपस में बात कर रहे हैं कि उनके खेत की फसल कटे काफी समय हो चुका है, परंतु अभी तक रामू प्रसाद उनका हिस्सा देने नहीं आया। रवि के पिता ने कहा, मैं उससे पूछने जाऊंगा कि क्या बात है। रवि के पिता शाम को रामू प्रसाद के घर गए। तब उन्हें पता चला कि रामू प्रसाद ने रवि के पिता के खेत पर कब्जा कर लिया है, जिस वजह से वह उनके हिस्से की फसल उन्हें नहीं दे रहा है। रवि के पिता ने रामू से काफी बहस करी परंतु इसका नतीजा कुछ नहीं निकला। सीधी सी बात थी कि वह रवि के पिता की लाचारी का फायदा उठा रहा था। गांव वालों को दिखाने के लिए गांव के रामू ने झूठे दस्तावेज बनवा लिए थे, जिसमें लिखा था कि रवि के पिता ने सारी खेती रामू प्रसाद को कुछ पैसों में बेच दी है, जो कि झूठ था। जब रवि के पिता अपने घर वापस आए तो वह चुप थे। रवि की मां के पूछने पर पूरी बात बताने के दौरान रवि के पिता रोने लगे। यह देखकर रवि की आत्मा मानो रोने लगी है। उसने अपने पिता को कभी इतना लाचार नहीं देखा था। वह जानता जानता था कि उसके पिता की लाचारी का फायदा उठाया जा रहा है। रवि समझदार बच्चा था। उसने अगले दिन अपनी शिक्षिका की सहायता से पुलिस को बुलाया, परंतु रामू प्रसाद ने पुलिस को वह झूठे दस्तावेज दिखा दिया, इसलिए पुलिस कुछ नहीं कर पाई और वहां से चली गई। इतना सहने के बाद रवि पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। वह लाचार हो चुका था। वह अपने पिता की लाचारी को महसूस करके मन ही मन रो रहा था। वह जानता था कि उनके साथ धोखा हुआ है, परंतु वह कुछ नहीं कर पा रहा था। यह बेचैनी उसे सोने नहीं दे रही थी। जब काफी दिन बीत गए तब रवि स्कूल गया। रवि की शिक्षिका अच्छी तरह समझ सकती थी कि एक लाचार पिता की लाचारी का समाज ने किस प्रकार मजाक बनाया है और उनके साथ धोखा किया। शिक्षिका ने रवि को समझाया कि जो हुआ उसे जाने दो। अब तुम यह बात अच्छी तरह समझ लो कि तुम अगर शिक्षित होकर अच्छे इंसान बने तो तुम इन सभी को सुधार सकते हो। रवि को यह बात समझ में आ गई और रवि की शिक्षिका ने रवि से कहा कि तुम आईएएस ऑफिसर बनो। तुम्हारा यह पद देख तुमसे ईर्ष्या करने वाले सभी लोग अपने आप सुधर जाएंगे और तुम्हें सम्मान देंगे। इस प्रकार तुम अपने माता पिता के हुए अपमान का बदला ले सकते हो। वह मजबूर हो जाएंगे तुम्हारे माता पिता का सम्मान करने और उनसे बात करने के लिए। अब रवि के परिवार के पास उनका खेत भी नहीं बचा था, इसलिए रवि की मां ने दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर दिया ताकि वह परिवार को चला सके। वह अपने पति के अपमान का बदला लेना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने ठान लिया कि वह उनके बेटे की पढ़ाई नहीं छूटने देगी और उसे काबिल अफसर बनाएंगी। रवि ने आईएएस ऑफिसर बनने के लिए रात रात भर पढ़ाई करनी शुरू कर दी। उसने 12वीं में पूरे गांव के सभी बच्चों से सबसे ज्यादा अंक लाया और वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया। रवि की मां इतना ज्यादा नहीं कमा पाती थी,
कि वह शहर में रवि की पढ़ाई का खर्चा उठा पाए। इसलिए रवि शहर में सुबह 4 बजे उठकर न्यूज़पेपर बेचने जाया करता था, जिसके बाद वह सुबह पढ़ने भी जाया करता था। इस प्रकार वह अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जुटा लेता था, परंतु उसके पास किराए का कमरा लेने के लिए पैसे नहीं थे। परंतु रवि होनहार विद्यार्थी था, जिसकी काबिलियत देखते हुए उसके एक दोस्त ने उसको अपने कमरे में फ्री में रखा था, ताकि रवि उसकी पढ़ाई में मदद कर सके। रवि फर्श पर सोता था और उसका मित्र बेड पर। इस प्रकार रवि ने अपने जीवन के संघर्ष के दिनों को गुजरा और दिन रात पढ़ाई करता रहा। करीबन 5 साल तक लगातार शहर में आईएएस ऑफिसर की तैयारी करने के बाद एक वक्त ऐसा आया जब वह आईएएस ऑफिसर बन गया और उसे उसी के गांव के जिले में नौकरी के लिए भेजा गया, क्योंकि रवि चाहता था कि उसे उसी के गांव के पास भेजा जाए। जब रवि अपने गांव में आईएएस ऑफिसर बनकर आया, तब सभी लोग उसे नमस्ते करने लगे। वह बच्चे जिन्होंने उसके बैग को नाले में फेंक के उसका अपमान किया था, वह उसे सर बोल रहे थे। रवि समझ गया था कि लोग इंसान की इज्जत नहीं करते, सिर्फ कामयाबी की करते हैं। रवि ने रामू प्रसाद को बुलाया और कहा कि उस जमीन के कागज दिखाओ जिसे तुमने अपना बताकर मेरे पिता का पूरे गांव में अपमान करवाया था। जब रामू प्रसाद वह कागजात लेकर आया, तब आईएएस ऑफिसर रवि ने उन कागजों की पहचान कर ली कि वह फर्जी है। रवि समझ गया कि राम प्रसाद ने पुलिस वालों को पैसे दिए थे, जिस कारण पुलिस ने रवि के पिता की सहायता नहीं करी थी। रवि ने वह जमीन का केस कोर्ट में डाला, जिसमें कोर्ट ने निष्पक्ष फैसला किया और रवि के पिता के नाम वह जमीन दोबारा हो गई। यहां पर बात सिर्फ जमीन की नहीं, यहां बात अपमान की है, जिसका बदला रवि ने आईएएस ऑफिसर बनकर लिया। जब रवि के गांव में आने की खबर उसकी शिक्षक को हुई, तब उसकी शिक्षक उसके घर आई। रवि रोते हुए शिक्षक के कदमों में गिर गया और प्रणाम करके धन्यवाद किया। शिक्षक ने जाते समय रवि से एक बात कही, शिक्षा एकमात्र हथियार है जिससे हम जीवन को सुधार सकते हैं और अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शिक्षा हमारे जीवन को बेहतर करती है और हमें समाज दिलाती है। शिक्षा के माध्यम से सामाजिक एवं खुद का विकास किया जा सकता है। अधिकतर मामलों में अशिक्षित व्यक्तियों का शोषण अन्य प्रकारों से किया जाता है, इसलिए व्यक्ति का समाज में शिक्षित होना आवश्यक है, ताकि उसका कोई शोषण न कर सके और वह शांतिपूर्ण जीवन जी सके।